Hey everyone, so friend, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमपी आईएएस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमपी आईएएस काउंसलिंग एक्सपेक्टेड कब से स्टार्ट हो सकती है, साथ ही में हम बात करेंगे कि आईएएस काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमपी आईएएस काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एमबीबीएस बीडीएस ऑल इंडिया कोटा के जो कि एमसीसी के द्वारा कराई जाती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, ठीक है। वही अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग जो कि किसके द्वारा कराई जाती है, एमपी डीएमई पोर्टल के द्वारा कराई जाती है, ठीक है। तो उसकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अगर हम एमपी आयुष काउंसलिंग की बात करें तो एमपी आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्या इसकी एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है? जैसे कि आप सभी को बताया कि एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसके 15 दिन बाद क्या हो जाता है, डबल ट्रिपल सी का नोटिफिकेशन लगभग आ जाता है, ठीक है। तो वही अगर हम एमपी आयुष काउंसलिंग की बात करें तो एमपी आयुष काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो डबल ट्रिपल सी काउंसलिंग के स्टार्ट होने से 15 से 20 दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अगर हम इन सारे क्राइटेरिया को देखें तो एमपी आयुष काउंसलिंग जो है वो एक्सपेक्टेड 15 सितंबर के आसपास स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक्सपेक्टेड डेट की बात करी, हालांकि वो तो आप काउंसलिंग अथॉरिटी पर डिपेंड करता है कि वो कब से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्टेड डेट बताई है। तो आपकी जो काउंसलिंग है वो लगभग एक महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए, क्योंकि एन वक्त पर अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट घटता है तो उस समय आप नहीं बना पाते हैं। अभी आपके पास लगभग एक महीने का समय है, तो अभी आपके पास अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिए, और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हें आप अभी रेडी कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, आपको बार बार वेबसाइट को विजिट करना है, मैं आपको वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि वेबसाइट पर क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर आप वेबसाइट को चेक नहीं भी करते हैं तो आपको बस क्या करना है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आपको अब से एमपी आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग लगातार एक भी नोटिफिकेशन नहीं छूटेगी, ठीक है। मैं लगातार जो भी अपडेट आएगा वेबसाइट पर या मेरे हिसाब से देखो जो भी एमपी आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको जो भी गाइडेंस करना है तो आपको मैं यूट्यूब पर करूंगा। चाहे तो आप मेरा पर्सनल कोर्स जो कि आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। आपको कोर्स में इनरोल करने के लिए आयुर्वेदा विंग से डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। बहुत ही मिनिमम प्राइस मैंने रख रखी है, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 1000 प्राइस मैंने इस कोर्स की रख रखी है। और अगर आप 23 अगस्त तक इस कोर्स में इनरोल होते हैं तो आपको फ्रीडम 78 कूपन कोड यूज करना है, तो आपको यही कोर्स जो है वो लगभग 700 के आसपास मिल जाएगा। तो ये कूपन कोड जो है वो 23 अगस्त तक रहेगा, तो आपको मैं यहाँ पर पर्सनली गाइड कर दूंगा और आपको आपके में पर्सनली चॉइस फिलिंग कराऊंगा और आपको एकदम सही गाइडेंस देकर, क्योंकि जो काउंसलिंग में अगर आपको सही गाइडेंस मिलती है तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। और आप बोलेंगे कि भैया आप कैसे हमें सही गाइडेंस कर देंगे, बाकी सब ऐसा क्या बताएंगे और आप क्या ऐसा अलग बताएंगे, तो आपको मैं बता दूं कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, मेरे पास लगभग हर कॉलेज के स्टूडेंट है, तो मेरे को अगर कॉलेज का रिव्यू लेना होता है तो मैं डायरेक्ट स्टूडेंट से ले लेता हूं, ठीक है। तो मेरे पास एकदम राइट इन्फॉर्मेशन होती है कॉलेज की, तो आपको मैं सही गाइडेंस देकर एक आपके हक का कॉलेज आपको मैं दिलाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, दूसरा आपको बार बार वेबसाइट को चेक करते रहना है, और आपको तीसरा सही जगह से आपको गाइडेंस लेना है, ठीक है। और बाकी तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यहाँ पर आपको सारी राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, और अपने दोस्तों को भी आपको शेयर कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।